और चलिए अब बात पलामू की कर लेते हैं, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मी से लेकर डॉक्टरों की भारी कमी है और ऐसे में अस्पतालों में रेफर का खेल चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। ग्रामीण से लेकर जिला स्तर के अस्पतालों में न सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी बल्कि डॉक्टरों की भी भारी कमी है, जिसके कारण रेफर का खेल चल रहा है। पीएचसी और सीएचसी से मेदिनीनगर और फिर मेदिनीनगर से रिम्स रेफर का खेल चल रहा है। सरकार की क्या मंशा है ये समझ में हम लोग को भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर डॉक्टर तो की कमी भी है और जो लोग रहते हैं वो आते भी नहीं हैं। तो चाहे ग्रामीण स्तर से, छोटे स्तर से बात करें या जिला स्तर के अस्पताल से, सब जगह अब भी लोगों को वही भाग दौड़ करना है। और पलामू में 10 सीएचसी और 32 पीएचसी हैं, वही मेदिनीनगर में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल। इन अस्पतालों में डॉक्टर के 213 पद स्वीकृत हैं, लेकिन सिर्फ 89 चिकित्सकों की ही तैनाती है। यही नहीं, अस्पतालों में नर्सिंग से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की भी कमी है। सिविल सर्जन ने कहा है कि मैन पावर की कमी के कारण मैनेज करके अस्पताल के बेहतर संचालन की कोशिश की जा रही है, लेकिन नई बहाली होने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। डॉक्टर की कमी तो है, मगर अवेलेबल जो चीज भी है उसी में हम लोग समायोजित करते हुए कार्य को संपादित करा रहे हैं। डॉक्टर्स की भी कमी है, अदर पैरामेडिकल्स की भी है, तभी तो हम लोग पैरामेडिकल्स में हाल में रिक्रूटमेंट किए हैं। एनएम वगैरह हमारी सफिशियंट है, उनसे काम चल रहा है। पिछली सरकार हो या फिर वर्तमान, किसी ने भी डॉक्टरों की बहाली को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, लिहाजा डॉक्टरों के रिटायर होने से अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या घटती गई और मरीजों की परेशानियां बढ़ती गई। न्यूज 11 भारत के लिए पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट। और चलिए हमारे साथ सहयोगी नीलकमल जुड़ रहे हैं पलामू से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नीलकमल, देखिए बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी हो, बुनियादी सुविधाओं की कमी हो, चाहे डॉक्टर्स की कमी हो, लेकिन क्या भगवान भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था छोड़ी जा सकती है? देखिए पलामू में लगातार जिस तरह से प्रमंडलीय यह मुख्यालय है और उसके बाद भी यहाँ पे जो है चिकित्सकों की भारी कमी है और भी नर्सिंग स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से लगातार बातें सामने आती है कि जो भी ग्रामीण इलाके के जो सीएचसी और पीएचसी का अस्पताल है वहां पे चिकित्सक नहीं मिलते हैं और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी है। यही वजह है कि जब मरीज वहां पे जाते हैं तो उनका इलाज नहीं हो पाता है और वो वहां से फिर उन्हें मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया जाता है और यहाँ पे भी कमोबेश वही हालात है। यहाँ पे अगर ओपीडी की हम बात करें तो अगर कभी कभार चिकित्सक वहाँ मौजूद भी रहते हैं तो एकाध विभाग के रहते हैं, बाकी सब नदारत रहते हैं, क्योंकि भारी कमी है चिकित्सकों का। यही वजह है कि यहाँ से भी रिम्स रेफर कर दिया जाता है और ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है, वो पिछली सरकार हो या वर्तमान हेमंत सरकार है। ह्यूमन रिसोर्स के मामले में गंभीरता नहीं दिखाई है। आज भी यहाँ पे सैकड़ों पद रिक्त हैं, चिकित्सक का हो या एएनएम का हो, तो नर्सिंग स्टाफ नहीं रहेगा, डॉक्टर नहीं रहेगा अस्पताल में, उसका क्या मतलब है? यही वजह है कि जो मरीज है, जो गरीब लाचार मरीज हैं, वो फिर निजी क्लिनिक का रुख करते हैं जहां उनसे मोटी रकम वसूली जाती है और ये कई सालों से ये हालात पलामू में है। लगातार कई चिकित्सक रिटायर भी कर रहे हैं लेकिन नई बहाली नहीं हुई है, नए चिकित्सकों का यहाँ पदस्थापना नहीं हुआ है, तो आज जो हालात यहाँ बन रहे हैं। और क्योंकि आसपास जैसे बिहार सटा हुआ है, बगल में छत्तीसगढ़ सटा हुआ है, तो वहां के मरीज भी पलामू पहुंचते हैं, यहाँ के एमएमसीएच में वो पहुंचते हैं ताकि नजदीक में वो उनका बेहतर इलाज हो सके, लेकिन उन्हें भी मायूसी हाथ लगता है, वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं जहां उन्हें भी मोटी रकम देना पड़ता है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इससे गंभीरता से कम चिकित्सकों की बहाली करनी चाहिए, जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी बहाली करनी चाहिए और जो भी ग्रामीण इलाके में कई ऐसे अस्पताल बन के तैयार हैं उसका संचालन इसलिए शुरू नहीं किया गया है कि इनके पास एचआर की कमी है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है इससे गंभीरता से
लेनी होगी, तभी जो दावा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर ये स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल तमाम बातचीत के लिए आपका और तमाम जानकारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।